जंगल में एक मेंढक कुएं में रहता था और वह कुएं में अकेला ही रहता। दिन भर उछल कूद कुएं में ही करता रहता। एक दिन एक दूसरे मेंढक उस कुएं के पास आया। जब दूसरे मेंढक उस कुएं वाले मेंढक को देखा तो बोला कि मित्र, इस कुएं में तुम क्या कर रहे हो? तो कुएं वाला मेंढक बोला कि मित्र, यह कुआं में बहुत सारा पानी है और इसमें अकेले मैं ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, इस कुएं में अथाह जल है, इस कुआं जैसा और कहीं नहीं है। तब दूसरा मेंढक जो कुएं के बाहर बैठा हुआ था उसने बोला कि मित्र, इस कुएं से भी कहीं अधिक बड़ा जलाशय है जिसका नाम तालाब है और मैं वहीं पर रहता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद मेरे साथ चल कर देख लो। तब कुएं वाला मेंढक गुस्से में बोला कि इस कुएं में अथाह जल है, क्या तुम्हारे तालाब में भी अथाह जल है? तब दूसरे मेंढक ने बोला कि मित्र, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकाल कर उस तालाब के पास ले चलता हूँ। और दूसरे मेंढक ने कुएं के मेंढक को बाहर निकाला और उसे तालाब के पास ले गया। जब दोनों मेंढक तालाब के पास पहुंचे तो कुएं वाला मेंढक तालाब को देखकर दंग रह गया और कुएं वाला मेंढक दूसरे मेंढक से बोला कि सच में मित्र, ये तालाब कुएं से भी कहीं अधिक बड़ा है। और दोनों खुशी से झूम उठे और तालाब में ही रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का बताने का मेरा यही मूल उद्देश्य था कि हम लोग भी उस कुएं के मेंढक जैसा अपने दिमाग में परिस्थितियाँ बना लेते हैं। हम जो कर रहे हैं इससे अच्छा कोई काम नहीं है ऐसा सोचते हैं, मतलब गलत रास्ते पर भी चलते हैं तो हमें सही रास्ता ही नजर आता है। तब हमें कोई सही मार्ग बताता है तो उसे अपनाना चाहिए हमें, तभी आप सफलता के मार्ग पर सही तरह पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आप से निकलकर अपने आंखें पर्दे को हटाकर सफलता की ओर हमेशा बढ़ना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब